गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन में हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.9 चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। 5 का ऑलरेडी हम 2 टाइम्स कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, जो ऑल इंडिया सीबीएसई 2020 में 17 मार्च को जो पेपर हुआ था, उसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लगभग हर साल इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से करना है। देखिए, x एक पैरामीटर है, y एक पैरामीटर है, ये हम 7.7 में हम कर चुके हैं। कहां तक? dy by dx। बट यहां क्या पूछा है? d2y/dx2। तो पहले dy by dx तक सेम 7.7 एक्सरसाइज वाला सवाल, थीटा में क्वेश्चन है, तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कीजिए x का भी dx / d थीटा दैट इज इक्वल टू a as it is, पहले पावर का 3, पावर में से एक कम हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा cos square थीटा। ये पावर का डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे बेस का, cos का, बेस में कौन है? cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, हो गया ना? सेम ऐसे ही इसका करेंगे भाई dy / d थीटा दैट इज इक्वल टू a as it is, फर्स्ट पावर का 3 आगे साइन की पावर एक कम हो जाएगी 2 थीटा। ये पावर का डिफरेंशिएशन, पावर के बाद बेस का, साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन भाई? कोस थीटा। क्लियर है? क्या फाइंड आउट करेंगे भाई? डीवाई बाई डीएक्स। ऊपर डीवाई को भी किससे डिवाइड करते हैं? डी थीटा से। और नीचे डीएक्स को भी किससे डिवाइड करते हैं? डी थीटा से। डी थीटा से ऊपर डिवाइड कर देते हैं, डी थीटा से नीचे। ओके, बराबर हो गए। दैट इज इक्वल टू, बोलिए भाई, डीवाई बाई डी थीटा, ये रहा 3a sin square theta into cos theta upon dx by d theta, ये रहा माइनस का 3a cos square theta into sin theta। 3 से 3a भाई कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, एक तो sin बचा है माइनस का, ऊपर sin नीचे cos, sin theta upon cos theta, और साइन थीटा कौन कोस थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा। तो माइनस का टेन थीटा, ये आ गया हमारा डीवाई बाई डी एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हम एक्सरसाइज नंबर 7.7 में कर चुके हैं, ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। और ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर सभी बच्चे जानते हैं कि भाई डीवाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, देन वी गेट dy d2y/dx स्क्वायर कम मिलता है जब dy by dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। बट हमारा फंक्शन किस में है? थीटा में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो भाई, एक बार तो देखो, ये थीटा के रिस्पेक्ट किया, इसका थीटा के रिस्पेक्ट किया, और dy by dx, यहां तक का क्वेश्चन है 7.7 का, आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अब करेंगे भाई dy by d2y / dx स्क्वायर कब मिलेगा? जब इसका डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, थीटा में हो फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्स के अकॉर्डिंग करो। बताओ इसका क्या होगा? इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो उधर मैंने करके दिखाया, ये हो गया भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमें फाइंड आउट ही करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस एज इट इज, पहले टेन का डिफरेंशिएशन करो बेस का। टेन का क्या होता है? सीकेंट स्केल। टेन का होता है भाई सीकेंट स्केल, थीटा एज इट इज, एंगल एज इट इज। फिर इसके बाद किसका करते हैं? एंगल का, थीटा का, किसके रेस्पेक्ट? एक्स के रेस्पेक्ट। थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स, इसको ध्यान से देख लो बस भाई। टेन का होगा सेकंड स्क्वायर, एंगल एज इट इज, बेस का किया हमने, उसके बाद किसका करते हैं? बेस के बाद एंगल का, थीटा का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, और दैट इज इक्वल टू माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और डी थीटा बाई डी एक्स कहां मिलेगा? ये रहा भाई, देखो ये रहा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया था, तो dx by d थीटा, वहां है भाई d थीटा by dx, इसका क्या है? उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो इसको -1 अपॉन लिख लेता हूं, 1 अपॉन माइनस का 3a cos square theta into sin theta, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसको आप देखो, पहले तो माइनस माइनस प्लस लिख दिया ना, 1 अपॉन 3a तो रहेगा ही रहेगा भाई। अब आप इसको ऊपर भी ला सकते हैं और इसको नीचे भी, इसको नीचे लाएंगे तो सेकंड स्क्वायर आपके नीचे क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को नहीं लिख सकते, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई चल रही है, तो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना हो गया? कोस की
फोर थीटा और इनटू में साइन थीटा, ये हमारा क्या है आंसर है डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर। और भी थोड़ा सा इसका इक्वेशन नंबर सिक्स है, सेवन में क्या पूछेगा ये डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे भी पूछ सकता है, पाई बाई टू पे सोल्व कर देंगे, पाई बाई फोर पे भी पूछ सकता है, पाई बाई थ्री पे भी। तो जो आंसर आएगा उसमें थीटा की जगह वो एंगल पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन रहेगा। तो ये था भाई ऑल इंडिया सीबीएसई 2020 में चार नंबर का क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन था ये तीनों कोडों में अलग अलग था, ठीक है ना। ये हम सब एक दिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक तब हम इसको करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा और हम कर भी चुके हैं, सिक्स का थर्ड पार्ट भी हम कई बार कर चुके हैं कि भाई क्या है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, वहां भी किया था ये क्वेश्चन हमने, एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा और फाइन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है भाई, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो पैरामेट्रिक फंक्शन है तो ये थीटा में है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कर चुके हम इसको पहले भी, डी एक्स बाई डी थीटा कीजिए भाई, ए तो बाहर रहेगा, ठीक है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस। अब ये थीटा भी वेरिएबल है और साइन थीटा भी वेरिएबल है तो ये कैसे होगा, मल्टीप्लाई में आ गए तो यू इन टू बी से फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन थीटा का कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इसका वन हो जाएगा, ये प्लस का साइन थीटा ये माइनस का साइन थीटा कैंसिल डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आ गया भाई ए है और इंटू में थीटा और इंटू में कोस थीटा, राइट। सेम ऐसे किसका करेंगे भाई डीवाई बाई डी थीटा का करेंगे, सेम ए बाहर रहेगा साइन थीटा का हो जाएगा भाई कोस थीटा माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, ये थीटा फर्स्ट फंक्शन और ये कोस थीटा सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन हो जाएगा, ये हो गया दैट इज इक्वल टू ए अभी कोस थीटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा और ये भाई माइनस प्लस माइनस कोस थीटा, क्लियर, ये माइनस कोस थीटा ये प्लस कोस थीटा कैंसिल ए थीटा और साइन थीटा हमारा अगर डी वाई बाई डी थीटा, राइट। यहां तक हम कर चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे भाई डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में dy को भी d थीटा से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में dx को भी d थीटा से, अभी dy by d थीटा ये रहा a थीटा sin थीटा और dx by d थीटा a थीटा cos थीटा, a थीटा से थीटा कैंसिल sin upon cos किसके इक्वल tan के इक्वल tan थीटा, ये आ गया भाई यहां तक किया था हमने dy by dx is equal to tangent थीटा, क्लियर है, यहां तक ऑलरेडी 7.7 में कर चुके हैं। अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो कब होता है जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, कीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो मैं यहां करके दिखाता हूं, पहले बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्लियर है डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हाँ भाई यहां सबसे पहले टेन का करेंगे, टेन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसी के रेस्पेक्ट करो, टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर, टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर, टेन का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर और इसके बाद किसका करेंगे एंगल का करेंगे थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा इनटू डी थीटा बाई डी एक्स, बस ये ध्यान दो सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, अभी ये कहां से मिलेगा डी थीटा बाई डी एक्स, ये रहा देखो ये क्या है डी एक्स बाई डी थीटा, इसका उल्टा कर दो इसको वन अपॉन में लिख दो, डी थीटा ऊपर डी एक्स नीचे तो इसके नीचे तो वन है तो वन ऊपर और ये नीचे वन अपॉन आ जाएगा वन अपॉन ए थीटा कोस थीटा, क्लियर है सही है भाई, ये सीकेंट स्क्वायर जब नीचे आएगा तो सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया भाई वन अपॉन ए इंटू थीटा और कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की क्यूब थीटा, यही हमारा आंसर है, कई बार पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल था भाई। उसके बाद सेवन सेम है, सेवन ये कहिए है बस उसके अब इसमें थीटा की वैल्यू और पुट करनी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री पे, तो सेवन आप लोग कर लेंगे
एक्सडब्ल्यू, वही एक्सरसाइज हमारी 7.7 का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो दो तीन सवाल इसके हो गए। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 का भी यही है। देखो 8 का सेकंड पार्ट करवाता हूं, 8 का सेकंड बहुत बार पूछा है। इफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन पी टी, ये एक्स है भाई, एंड वाई इज इक्वल टू क्या है बी कोस पी टी। अच्छा आपको क्या क्या निकालना है, एक तो फाइंड आउट करना है भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक तो ये निकालना है एट टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। आंसर में जहां टी आएगा ना उसकी जगह जीरो पुट करना है। और ऑल्सो सो दैट ये और दिखाता भाई इसके साथ साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये और सो करना है। ठीक है, तो दो पार्ट पूछ लिए। देखिए सबसे पहले तो भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा है, तो डी वाई बाई डी एक्स के सेम वही मेथड हमारा टी में है ना, डिफ्रेंशिएशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी कीजिए भाई, एक्स का हो जाएगा भाई डी एक्स बाई डी टी ए एज इट इज। आप एक पहले साइन का बोलो, साइन का होगा कोस पी टी, उसके बाद किसका करेंगे एंगल का करेंगे, पी टी का विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो पी आ जाएगा, पी मैं यहां लिख देता हूं, तो ये होगा पी ए कोस पी टी। अब इसका बोलो डी वाई बाई डी टी करेंगे इसका भी टी के रेस्पेक्ट में, तो पी एज इट इज कोस का होगा माइनस साइन पी टी, और फिर किसका करेंगे भाई पी टी का, तो पी और आ जाएगा ए पी, राइट। अब हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर डी वाई को भी डी टी से डिवाइड कर देंगे, डी वाई को भी डी टी से डिवाइड करेंगे, नीचे भाई डी एक्स को भी डी टी से डिवाइड करेंगे, राइट। तो डी वाई बाई डी टी ये रहा माइनस का पी बी साइन पी टी, और भाई डी एक्स बाई डी टी ये रहा पी ए कोस पी टी, राइट। तो भाई पी से पी कैंसिल, या भाई माइनस का बी बाई ए माइनस का बी बाई ए साइन पी टी अपॉन कोस पी टी, ये क्या हो गया भाई टेंजेंट पी टी, पी टी इसका क्या है एंगल, क्लियर हो। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, हमें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन ना अगेन नहीं, अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तभी डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, राइट। जबकि इसके पास एक्स नहीं है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस बी बाई ए एज इट इज, माइनस बी बाई ए एज इट इज। बताओ भाई पहले टेन का बताओ, टेन का डिफरेंशिएशन, टेन का होता है भाई सीकेंट स्क्वायर, टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज पी टी, और फिर किसका करेंगे पी टी का, तो भाई पी टी में पी तो एज इट इज रहेगा, और टी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, पी कॉन्स्टेंट है इसका तो होगा नहीं, टी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, और dt by dx आपको पता है ये कहां से रखते हैं, ये रहा dt by, ये dx by dt है इसका उल्टा, ठीक है ना, reciprocal, तो ये हो जाएगा भाई minus b by a secant square pt into multiply में p तो सही है, और dt by dx को लिखेंगे भाई 1 upon, ये लिख दो p a cos pt, p से p क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का बी बाई माइनस का बी, ये नीचे लिख देता हूं माइनस का बी, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया बी, और ये सीकेंट स्क्वायर पी टी, ठीक है ना, ये कोस ऊपर आ जाएगा तो सीकेंट बन जाएगा ना कोस ऊपर, तो ये सीकेंट की पावर 3 हो जाएगा और पी टी, और नीचे लिखो तो 1 अपॉन कोस की पावर 3 पी टी, ये आ गया हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा ये तो हो गया प्रूफ है, अच्छा एच टी इज इक्वल टू जीरो पे दिखाना है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो भाई टी की जगह जीरो लिखोगे यहाँ, तो सीकेंट जीरो क्या होता है 1, सीकेंट जीरो क्या होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया भाई माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर, एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना, एट टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। अच्छा अब ये और प्रूव करेंगे, ये पार्ट और प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना, ये कैसे प्रूव होगा एज इट इज भाई, ए देखो आपको सब वैल्यू रखनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो, ये रहा एक्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी, जैसा है वैसा रख दो, इनटू वाई, वाई ये रहा भाई बी
cos pt राइट इनटू सब मल्टीप्लाई पे है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये रहा भाई क्या है भाई माइनस का बी बाई ए स्क्वेयर ये रहा ठीक है इनटू सीकेंट टी क्यूब पी टी और प्लस में बी स्क्वेयर भाई इसको इक्वल टू किसके दिखा रहा है जीरो के तो मैं लेफ्ट हैंड साइड देख के चल रहा हूं ठीक है ना एल एच एस करो सो इन दोनों में से ए स्क्वेयर जैसे कॉमन लिया देखो भाई यहां लिखता हूं ए स्क्वेयर जैसे कॉमन लिया वन माइनस साइन स्क्वेयर पी टी एज इट इज इंटू बी कोस पी टी एज इट इज मल्टीप्लाई माइनस का बी बाई ए स्क्वेयर सीकेंट क्यूब पी टी और प्लस बी स्क्वेयर ठीक है ना देखो अब इसको ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी पहले तो देखो ए स्क्वेयर से स्क्वेयर क्या कर दिया कैंसिल वन माइनस साइन स्क्वेयर पी टी क्या होता है भाई कोस स्क्वेयर पी टी हो गया नहीं हो गया कोस स्क्वेयर पी टी ठीक है अच्छा उसके बाद एक ये रहा कोस पी टी बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वेयर राइट और भाई कोस स्क्वेयर को कोस से करेंगे तो कोस की क्यूब पी टी मल्टीप्लाई में भाई सीकेंट की क्यूब पी टी को लिखेंगे वन अपॉन कोस की क्यूब पी टी जब नीचे जाएगा तो सीकेंट क्या बन जाएगा कोस और प्लस बी स्क्वेयर देखिए भाई ये कैंसिल हो गए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट का सेकंड इसमें दो पार्ट पूछे हुए थे दोनों हम सिंप्लीफाई करके ना सॉल्व कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगला देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट का एक और करवाता हूं क्वेश्चन नंबर एट का फोर्थ पार्ट और देखो अभी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू साइन टी ये एग्जाम्पल है भाई हमारा 7.7 का एग्जाम्पल फाइन एक तो निकालना है भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एक निकालना है एंड डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर ध्यान से देखना है इनको बस डी टी स्क्वेयर एट टी इज इक्वल टू पाई वाई फोर ठीक है बस ये एग्जाम्पल है हमारा 7.7 से पीछे एग्जाम्पल नंबर सिक्स तो भाई पहले तो डिवाइड बाय डीएक्स निकालेंगे वो तो सेम है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ये भी पैरामीटर है ये भी पैरामीटर है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी टी में है तो एक्स का हो जाएगा डीएक्स बाई डी टी अभी कोस टी का माइनस साइन टी राइट प्लस एलओजी का बताओ एलओजी का वन अपॉन नीचे भेज देगा इसको टेन टी बाई टू ये किसका डिफरेंशिएशन है एलओजी का उसके आगे जो फंक्शन है टेन टी बाई टू उसको वन अपॉन में लिखेगा ये डिफरेंशिएशन है एलओजी का उसके बाद करेंगे टेन का होता है बेटा सीकेंट स्केल टी बाई टू एंगल है एज इट इज उसके बाद होगा भाई किसका एंगल का टी बाई टू का विद रिस्पेक्ट टू टी वन बाई टू ये हो गया पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं माइनस का साइन टी एज इट इज प्लस भाई ये वन बाई टू पहले लिखता हूं बेटा वन बाई टू अभी टेन को लिखेंगे भाई साइन टी बाई टू अपॉन कोस टी बाई टू ठीक है ना साइन अपॉन कोस और सीकेंट स्क्वेयर को नीचे ले आएंगे फिर हो जाएगा भाई कोस स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर नीचे आके कोस स्क्वेयर टी बाई टू ए कोस ए कोस कैंसिल तो माइनस का साइन टी प्लस वन अपॉन देखिए ध्यान से टू साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू ये पढ़ा हुआ है सभी बच्चों का साइन टू थीटा टू साइन थीटा इन टू कोस थीटा पढ़ा हुआ है ना भाई और साइन थीटा भी पढ़ा हुआ है साइन थीटा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू अब इस फॉर्म में हमारे पास टू साइन थीटा बन जाएगा टू साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू तो साइन टी बन जाएगा ना वो देखो फॉर्मूला है हमारा अब ये देखो साइन टी क्या आ जाएगा एलसीएम साइन टी जैसे एलसीएम आएगा साइन टी को इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वेयर टी और भाई प्लस यहां वन तो वन माइनस साइन स्क्वेयर टी कोस स्क्वेयर टी कोस स्क्वेयर टी अपॉन साइन टी ये वैल्यू आएगी भाई हमारी डी एक्स बाई डी टी राइट ये थोड़ा ये तो सिंपल है अभी डी वाई क्या है साइन टी तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा कोस टी डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा कोस टी अब हम निकालेंगे भाई यहां निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऊपर डी वाई को भी डी टी से डिवाइड करेंगे नीचे भाई डी एक्स को भी डी टी से डिवाइड करेंगे अभी डी वाई बाई डी टी क्या है कोस टी और dx by dt क्या है dx by dt है भाई cos square t अपॉन sin t cos square
टी अपॉन साइन टी, साइन टी कहां से लगेगा बेटा, ऊपर चला जाएगा साइन टी। अब ए कोस ए कोस टेन से साइन टी अपॉन कोस टी क्या आ गया टेन टी, क्या आ गया टेन टी, या गया भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट टी। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे एक्स के, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, निकालना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई इसका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका आप भी बात कर चुके हैं, पहले टेन का बताओ सीकेंट स्क्वायर टी हो गया ना, फिर टी का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स, अब डी टी बाई डी एक्स यहां से उठाओ डी एक्स बाई डी टी तो है ये, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, यहां डी टी बाई डी एक्स की जगह लिखता हूं भाई, तो साइन टू ऊपर चला जाएगा और भाई कोस स्क्वायर टी नीचे आ जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो टी की जगह क्या लिखेंगे पाई बाई फोर, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, अब इसमें पाई बाई फोर रखो बेटा, यहां पाई बाई फोर रखेंगे तो सीकेंट स्क्वायर पाई बाई फोर टू आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट पाई बाई फोर रूट टू होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो टू, ठीक है, ये एक टेन हो गया वो वन हो गया और नीचे वन बाई रूट टू, तो ऊपर रूट टू हो जाएगा, तो टू रूट टू आपका आंसर आ जाएगा ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अच्छा किसका भी पूछा है, एक ये देखो ये क्या है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, मैं कर दूं इसका डिफरेंशिएशन भाई विद रेस्पेक्ट टू टी, तो बोलो भाई डी वाई बाई डी टी का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी का मतलब डी अपॉन डी टी, तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ये पूछा गया है, तो भाई कोस टी का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन टी। अच्छा किसके ऊपर पूछा है एट टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, टी की जगह पाई बाई फोर रखते ही माइनस का साइन पाई बाई फोर दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस साइन पाई बाई फोर होता है वन बाई रूट टू, ये सेकेंड आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट का फोर्थ पार्ट, क्लियर है, एग्जाम्पल भी है ये तो 7.7 का एग्जाम्पल नंबर 6 वहां देख लेना डिवाइड बाई डी एक्स तक, तो उसका आगे डिफरेंशिएशन करना है वो आपको सिखाई दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा है, हमारे पास x है भाई sin t, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू sin pt, ठीक है ये भी, और क्या प्रूव करना है, प्रूव का सवाल आपके बाद, प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x डी वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, ये तो पीछे जैसा सवाल है, ठीक है ना, कोई बात नहीं सोल्व करते हैं, कीजिए सोल्व। अभी पहले तो ये टी में है दोनों पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, एक्स का हो जाएगा भाई डी एक्स वाई डी टी, तो साइन का हो जाएगा कोस टी, ठीक है, वाई का हो जाएगा डी वाई वाई डी टी, साइन पी टी का हो जाएगा भाई कोस पी टी, और पी टी का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर डी वाई को भी डी टी से डिवाइड कर देंगे, नीचे डी एक्स को भी डी टी से डिवाइड कर देंगे, बताओ भाई डी वाई बाई डी टी ये रहा पी कोस पी टी, नीचे भाई डी एक्स बाई डी टी कोस टी, या ठीक है। अच्छा अब डायरेक्ट के लिए अभी इसको प्रूव करते हैं, तो डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे प्रूव करेंगे, डायरेक्ट प्रूव करने के लिए इन दोनों को एक्स वाई में चेंज कर लो, देखो आपके पास साइन पी टी की वैल्यू है ना, और हमें किसकी चाहिए कोस पी टी की, तो आप यहां से देखो बेटा साइन स्क्वायर पी टी इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर पी टी, कोस स्क्वायर पी टी इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर पी टी, साइन पी टी की वैल्यू कितनी है वाई, याद रखो तो दैट इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर, हमें तो किसकी चाहिए कोस पी टी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर था ये इधर आके क्या बन जाएगा रूट, तो याद है पी अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ऐसे ही साइन टी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, कोस टी की वैल्यू क्या चाहिए कोस टी की वैल्यू आ जाएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेम जैसे ये किया है ऐसे ही ये। अच्छा रूट किस से, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केलिंग कर दोगे, ये समझ गए ना, साइन टी की वैल्यू एक्स है तो कोस टी की वैल्यू क्या आएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्केलिंग कर दोगे डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं इसमें,
अब पी का स्क्वेयर हो जाएगा पी स्क्वेयर, इसका हो जाएगा भाई रूट हट जाएगा वन माइनस वाई स्क्वेयर, इसका रूट हट जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर। और बेटा क्या करते हैं इसको कहां ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर को वन से करेंगे, पी स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर से करेंगे, हाई पी स्क्वेयर को वन से पी स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर से, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा अलग था। देखो यहाँ डिवाइड बाय डिक्स टी में जो आया था ना उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिया और फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले जो क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर थे ना वैसे कर दिया। करो भाई फर्स्ट एज इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन टू आ गए डीवाई बाई डी एक्स और फिर डीवाई बाई डी एक्स का डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का टू एक्स, ठीक है पी स्क्वायर का जीरो, इसका भाई माइनस का टू पी स्क्वायर और वाई और डीवाई बाई डी एक्स, वाई टू वाई हो जाएगा इसका, तो इसका फिर वाई का डीवाई बाई डी एक्स और क्या कैंसिल होगा टू 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 डीवाई बाई डी एक्स, एक डीवाई बाई डी एक्स यहां से और एक डीवाई बाई डी एक्स यहां से, जो बचा है वही हमारा क्या है आंसर है। ओके